हाई गाइज़ माई नेम इज़ नितिश एंड यूर वेलकम टू कैम्पस एक्स इस वीडियो में भी हम लोग अपना डीप लर्निंग प्ले लिस्ट कंटिन्यू करेंगे सो so, हम लोग अभी आर एन एन पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक आर एन एन का आर्किटेक्चर समझा है और केराज में उसको इम्प्लीमेंट भी किया है और अब गोइंग फॉर्वर्ड मेरा प्लान है बैक प्रोपोगेशन पढ़ाने का बट उसके पहले एक टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे और वो है टाइप्स ऑफ आर एन एन ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या अलग अलग आर्किटेक्चर्स होते हैं आर एन एन के और फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे बैक प्रपोजिशन की पढ़ाई करेंगे ठीक है तो ये छोटा सा वीडियो है प्यारा सा वीडियो है बट जरूर देख लेना बिकॉज आगे काम आएगा ठीक है लेट स्टार्ट द वीडियो सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हमने आर एन एन में क्या क्या पढ़ा है ठीक है तो इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ आर एन एन आई गेव यू अ रोड मैप रोड मैप या फिर आप ओवरव्यू बोल सकते हो कि आर क्या होते हैं उनका एप्लीकेशन क्या है ये सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था उसके बाद इन द सेकेंड वीडियो आ, हमने आर पढ़ना स्टार्ट किया ऑन अ थोरेटिकल लेवल ठीक है जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि आर का आर्किटेक्चर कैसा होता है आर में वेट्स किस तरीके से होते हैं हमने फिर थर्ड वीडियो में क्या किया कि हमने आर को प्रैक्टिकली केज में इम्प्लीमेंट किया ठीक है ऑन अ प्रॉब्लम कॉल्ड सेंटिमेंट एनालिसिस राइट अब हमारा आगे का प्लान क्या है कि वी हैव टू लर्न हाउ बैक प्रपोगेशन एल्गोरिदम वर्क्स इन द केस ऑफ आर एन एन ठीक है बट बैक प्रपोगेशन पढ़ने के पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ टॉपिक विच इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज की वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर एन एन आर्किटेक्चर्स ये टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ आर एन एन बैक प्रपोगेशन एल्गोरिद्म थोड़ा सा वेरी करता है तो मैंने वही सोचा कि एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि वॉट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ आर एन एन आर्किटेक्चर्स और फिर जब हम बैक प्रपोगेशन पढ़ेंगे हम लोग एक बार कवर कर लेंगे कि अलग अलग टाइप्स ऑफ आर एन एन में बैक प्रपोगेशन कैसे अप्लाई होता है ठीक है तो अब एक चीज आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि चार टाइप के आर एन एन आर्किटेक्चर्स होते हैं द फर्स्ट वन इज मैनी टू वन ठीक है उसके बाद आता है वन टू मैनी उसके बाद आता है मैनी टू मैनी एंड द लास्ट वन इज वन टू वन अब हमारा इस वीडियो का गोल ये है कि हम इन चारों आर्किटेक्चर्स को या चारों टाइप्स को एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड नॉट ओनली दैट मैं आपको सभी के एग्जाम्पल्स बताऊंगा उससे फिर आपके दिमाग में एक क्लैरिटी आ जाएगा कि किस तरह के एप्लीकेशन में आप किस टाइप का आरएनएन यूज करते हो ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विथ मैनी टू वन सो मैनी टू वन एक ऐसा आर एन आर्किटेक्चर है जो नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा इनपुट uh, में एक सीक्वेंस एक्सपेक्ट करता है ठीक है सीक्वेंस मतलब कुछ भी हो सकता है इट कुड बी अ सेंटेंस और कैरेक्टर्स और इट कुड बी अ टाइम सीरीज डेटा ठीक है बट सीक्वेंस होना चाहिए और आउटपुट में आपको निकाल के देता है एक नॉन सीक्वेंस आउटपुट या नॉन सीक्वेंशियल आउटपुट ठीक है वन एग्जाम्पल कुड बी इन टीचर्स या नंबर्स या फिर आप ज्यादा टेक्निकल टर्म में बोल सकते हो स्केलर्स ठीक है जैसे कि वन या जीरो डिपेंडिंग ऑन द क्लासेस तो इस तरह के आर्किटेक्चर किस तरह के एप्लीकेशन पर यूज होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ वन एग्जाम्पल कुड भी सेंटिमेंट एनालिसिस अभी हमने जस्ट इसको पढ़ा भी था सो सेंटिमेंट एनालिसिस में क्या होता है कि आपको इनपुट में एक लेट्स से टेक्स्ट मिलता है और आपको वर्ड बाय वर्ड उस टेक्स्ट के ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद यह बताना होता है कि उस टेक्स्ट का सेंटिमेंट कैसा है वन या जीरो ठीक है तो यू कैन सी यहां पे जो इनपुट है वो एक सीक्वेंस ऑफ डेटा है इन दिस केस इट इज वर्ड्स और जो आउटपुट है वो बेसिकली एक स्केलर है वन या जीरो ठीक है एक और एग्जाम्पल जो इस तरह के एप्लीकेशन के अंडर आता है वो है रेटिंग प्रोडिक्शन राइट right. मान लो आप एक आ, ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पे आपके पास मूवीज के रिव्यूज हैं और रिव्यू को पढ़ के आप उसको एक स्टार प्रिडिक्शन एज इन स्टार रेटिंग देना चाहते हो कि कितना रेट किया यूजर ने उस मूवी को ठीक है वन से लेके फाइव के बीच में अगेन द इनपुट इज टेक्चुअल विच मीन्स इट इज सीक्वेंस बट द आउटपुट इज वन से लेके फाइव के बीच में एक नंबर या फिर एक स्टार दो स्टार तीन स्टार इट कुड ऑल्सो एक्ट एज अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ठीक है तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जहां पर आप मैनी टू वन आर एन एन को यूज करते हो ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक मैनी टू वन आर एन एन दिखाई कैसा देता है अच्छी बात यह है कि आप ऑलरेडी देख चुके हो मैनी टू वन आर एन एन को अभी तक हमने इस कोर्स में जो भी पढ़ाई की है वो एक्चुअली मैनी टू वन आर एन एन के ऊपर ही की है ठीक है एक मैनी टू वन आर्किटेक्चर ऐसा दिखाई देता है यहाँ से आप अपना इनपुट भेजते हो यहाँ से आपको प्रीवियस टाइम स्टेप का इनपुट मिलता है ठीक है और यहाँ पे आपका एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है और यहाँ से आपको करेंट टाइम स्टेप का आउटपुट मिलता है और लास्ट टाइम स्टेप में आप आउटपुट कैलकुलेट करते हो तो ये तो हो गया कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन अगर मैं आपको ये अनफोल्ड करके दिखाऊं ओवर सेवरल टाइम स्टेप्स तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा कि आपका यहाँ से आपने पहला वर्ड भेजा यहाँ से आपको ज़ीरो का इनपुट मिल रहा है यहाँ से आपने ओ वन कैलकुलेट किया जो वापस वहीं पर फीडबैक हो रहा है और यहाँ से आपने अगला वर्ड भेजा यहाँ से ओ टू कैलकुलेट हो रहा है यहाँ से आपने थर्ड वर्ड भेजा यहाँ से ओ थ्री कैलकुलेट हो रहा है एंड सो ऑन और लास्ट स्टेप में जैसे आपने लास्ट वर्ड भेजा अब यहाँ से आपका वाई हैट एज इन आपका मेन प्रेडिक्शन हो रहा है कि वन होगा या जीरो होगा यही सेम चीज़ हमने अभी तक पढ़ी है और ये जो ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं यही आपके रिकरेंट ब्लॉक्स हैं और दिस इज बेसिकली सिंपल आर एन एन सिंपल आर एन एन ब्लॉग्स हैं ये ठीक है तो ये हुआ एग्जाम्पल मैनी टू वन आर्किटेक्चर का येस yes, आपको ये आर्किटेक्चर देख के समझ में आ रहा होगा कि इसको क्यों मैनी टू वन बुलाया जाता है बिकॉज यू कैन क्लियरली सी आप मल्टीपल इनपुट्स दे रहे हो बट आपको आउटपुट में सिर्फ एक ही चीज़ मिल रही है दैट इज वाई हम इसे मैनी टू वन आर्किटेक्चर बोलते हैं ठीक है अगला जो हमारा आर एन एन आर्किटेक्चर है वो है वन टू मैनी अगेन आपको नाम से शायद समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे ऑपरेट करेगा ये एक ऐसा आर एन एन आर्किटेक्चर है जहाँ पर आपको इनपुट में नॉर्मल नॉन सीक्वेंशियल डेटा मिलता है ठीक है इट कुड बी एनी जो नॉन सिक्वेंशियल है जिसमें सीक्वेंस नहीं है इट कुड बी नंबर्स और इट कुड बी इमेज इवन इमेज आपका नॉन सिक्वेंशियल डेटा होता है बिकॉज एट द एंड इट इज जस्ट मीट्रिक्स ऑफ नंबर्स ठीक है बट जो आपका आउटपुट होता है ना यहाँ पे वो सीक्वेंशियल होता है लाइक वर्ड्स सेंटेंसेज टाइम सीरीज इट कुड बी एनी ठीक है अगर आप आर्किटेक्चर की बात करो ना तो इसका आर्किटेक्चर हमारे पिछले वाले टाइप से बिल्कुल ऑपोजिट होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि होता क्या है यहाँ पे कि फिर से आपके आर एन एन ब्लॉक्स होते हैं जैसे कि सिंपल आर एन एन ब्लॉक है और आप वहाँ पर अपना इनपुट प्रोवाइड करते हो सिंस इनपुट एक सिंगल है तो आप सिर्फ एक ही बार इनपुट प्रोवाइड करते हो ठीक है और फिर क्या होता है इस इनपुट से एट एवरी टाइम स्टेप आपको एक आउटपुट मिलता है और उस आउटपुट को आप अगले टाइम स्टेप में भी भेजते हो वहां पे भी आपको आउटपुट मिलता है एंड दिस कंटिन्यूज लाइक दिस ठीक है लाइक दिस दिस इज द आर्किटेक्चर सो यू कैन सी इसको वन टू मैनी इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज आप एक बार इनपुट दे रहे हो बट आपको कई बार आउटपुट मिल रहा है देर आर मेनी आउटपुट्स ठीक है अब आई नो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जहां पे ये आर्किटेक्चर काम आ सकता है सो so मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो एक्चुअली इंडस्ट्री में यूज होता है सो देर इज दिस एप्लीकेशन कॉल्ड इमेज कैप्शनिंग सो इमेज कैप्शनिंग में क्या होता है कि आप अपने न्यूरल नेटवर्क को एक इमेज फीड कराते हो विच इज नॉन सिक्वेंशियल डेटा और आपका काम ये होता है कि आपका न्यूरल नेटवर्क आपको उस इमेज के अंदर जो चीज़ है उसका एक टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन देती है ठीक है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मान लो आपने एक इमेज दिया जहां पर एक बंदा क्रिकेट खेल रहा है ठीक है तो जैसे ही आप इसको अपने न्यूरल नेटवर्क के अंदर फीड करोगे आपका न्यूरल नेटवर्क विल गिव यू दिस आउटपुट कि अ मैन इज प्लेइंग क्रिकेट यू कैन सी आपका इनपुट इज अ नॉन सीक्वेंशियल इमेज एंड इन द आउटपुट यू आर गेटिंग सीक्वेंशियल डेटा तो दिस इज वन एप्लीकेशन जहां पे ये आर्किटेक्चर बहुत यूज किया जाता है देर इज मैनी देर आर मैनी मोर एप्लीकेशंस जैसे कि एक और एप्लीकेशन है आपका म्यूजिक जनरेशन ठीक है जहाँ पे आप इनपुट में कुछ एक सिंगल चीज पास कर देते हो और कॉन्स्टेंटली वहाँ पे म्यूज़िक के नोट्स जनरेट होते होते रहते हैं ठीक है तो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ आर एन जो नेक्स्ट आर टाइप है वो मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग टाइप है और इसको बोला जाता है मैनी टू मैनी आर ठीक है नाम से समझ में आ रहा है आपको मैनी टू मैनी आर एक ऐसा आर टाइप है जहाँ पर इनपुट में भी आपको सीक्वेंशियल डेटा मिलता है और आउटपुट में भी आप सीक्वेंशियल डेटा ही देते हो ठीक है और बिकॉज ऑफ दिस कई बार इसको सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल भी बोला जाता है और फ्यूचर में हम इसके ऊपर काफ़ी काम करने वाले हैं ठीक है सो सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स या फिर मैनी टू मैनी आर एन आर सच एन एन आर्किटेक्चर्स जहां पर आपको इनपुट में भी सीक्वेंशियल डेटा मिल रहा है और आप आउटपुट में भी सीक्वेंशियल डेटा ही दे रहे हो ठीक है अब इसके दो टाइप्स होते हैं आ, पहला टाइप होता है सेम लेंथ मैनी टू मैनी और सेकेंड होता है वेरिएबल लेंथ मैनी टू मैनी मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहा हूं सेम लेंथ तब होता है जब आपका इनपुट सीक्वेंस का साइज इज सेम एज आपके आउटपुट सीक्वेंस का साइज ठीक है वन एग्जाम्पल कुड बी पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग सो अगर आपने थोड़ा भी एनएलपी पढ़ा होगा तो एनएलपी में इट इज अ वेरी वेरी पॉपुलर टास्क जहां पर आप क्या करते हो कि आपके पास एक इनपुट सेंटेंस है लेट्स ए माई नेम इज नितिश और आपको क्या करना है कि आपको प्री प्रोसेसिंग स्टेज में हर वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालना है बिकॉज अपेरेंटली वो आपको आगे हेल्प करेगा जैसे कि दिस इज प्रोनाउन दिस इज अ नाउन दिस इज हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज अ नाउन ठीक है तो यू कैन सी आप इनपुट में क्या कर रहे हो आप चार वर्ड्स दे रहे हो एंड फॉर एवरी वर्ड आपको एक आउटपुट भी मिल रहा है तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर आप जितने इनपुट दोगे उतने ही आपको आउटपुट्स मिलेंगे ठीक है एक और एग्जाम्पल इस तरह के एप्लीकेशन का हो सकता है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन अगेन अ वेरी पॉपुलर टास्क जहां पे फॉर एवरी वर्ड यू डिसाइड वेदर इट इज अ एंटिटी और नॉट ठीक है जैसे कि लेट्स मीट एट सेवन पी एम एट द एयरपोर्ट ठीक है एंड यू हैव टू फिगर आउट इनमें से कौन सी चीजें एंटिटी हैं जिनके ऊपर आपको फ्यूचर में काम करना है तो फॉर एवरी इनपुट फॉर एवरी वर्ड यू विल असाइन अ नंबर वन ज़ीरो जैसे कि सेवन पी एम कुड एन एंटिटी एयरपोर्ट कुड बी एन एंटिटी सो जनरली चार्टोर्ड्स वगैरह बनाने में आपको ये चीज़ बहुत काम आती है तो ये दोनों एप्लीकेशंस हैं सेम लेंथ वालों के और अगर आप बात करो आर्किटेक्चर वाइज कि आर्किटेक्चर कैसा होता है एक सेम लेंथ मैनी टू मैनी आर एन एन का तो मैं आपको झट से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ सो so, होता क्या है कि आपका सेम आर एन एन या सिंपल आर एन एन मॉड्यूल होता है आप वहाँ पे अपने इनपुट्स को भेजते हो और फॉर एवरी टाइम स्टेप यू ऑल्सो गेट एन आउटपुट और वो आउटपुट को आप अगले टाइम स्टेप में भेजते हो जहाँ पे आप अगला इनपुट भी देते हो और फिर अगला आउटपुट कैलकुलेट करते हो एंड दिस गोज़ ऑन द नंबर ऑफ इनपुट्स आर एग्जॉस्टेड ठीक है तो दिस इज द फ्लो डाइग्राम ऑफ सेम लेंथ मैनी टू मैनी आर एन एन ठीक है तो अब मैंने आपको बोला था कि दो टाइप्स होते हैं तो पहला टाइप हमने डिस्कस कर लिया सेम लेंथ वाला अब लेट मी शो यू कि वेरिएबल लेंथ मैनी टू मैनी आर क्या होता है और कैसे काम करता है सो so, पहले मैं आपको फिर से एक एप्लीकेशन बताता हूँ वेरिएबल लेंथ का वेरिएबल लेंथ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मशीन ट्रांसलेशन ठीक है मशीन ट्रांसलेशन मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जहां पर आप क्या करते हो कि एक लैंग्वेज के सेंटेंस को सेकेंड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हो शायद आपने ये चीज़ गूगल ट्रांसलेट में यूज़ भी की होगी ठीक है गूगल ट्रांसलेट इंटरनली इसी तरह का आर मॉडल यूज़ करता है ठीक है तो ये वेरिएबल लेंथ क्यों है एक बार वो समझने की कोशिश करते हैं ठीक है तो अब मेरे दिमाग में इस पॉइंट पे तो कोई एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं आ रहा बट मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ लेट्स से मैंने बोला हाय माय नेम इज नितिश ठीक है ये इंग्लिश में हमारा इनपुट है और लेट्स से हमें इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है और लेट्स से हिंदी में इसका ट्रांसलेशन हुआ मेरा नाम नितिश है ठीक है अब ये तो एक ऐसा एग्जांपल है जहां पे जितने वर्ड्स आपके इंग्लिश वाले में थे उतने ही वर्ड्स आपके हिंदी वाले में भी हैं बट आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड कि आप गारंटी नहीं कर सकते कि जितने वर्ड्स इनपुट में होंगे उतने ही वर्ड्स आउटपुट लैंग्वेज में भी होंगे हो सकता है कुछ लैंग्वेजेस ऐसे हों जो कुछ सेंटेंसेस को बहुत एफिशिएंटली कम वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर दें और कुछ लैंग्वेजेस ऐसे भी हो सकते हैं जो उतने एफिशिएंट नहीं हैं और ज़्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स लें तो मशीन ट्रांसलेशन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल लेंथ मैनी टू मैनी आर ठीक है अगर आप आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो इस तरह के एप्लीकेशन का जो आर्किटेक्चर है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है सो so, शुरू में आप क्या करते हो आप पहले अपना पूरा का पूरा इनपुट प्रोवाइड करते हो जैसे यहाँ पे मेरे पास मान लो चार वर्ड्स होते हैं अगर तो मैं क्या करता हूँ मैं चारों पहले इनपुट देता लाइक like दिस हर टाइम स्टेप में आई एम प्रोवाइडिंग माई इनपुट इक दिस राइट अब जब मेरा लास्ट वर्ड मैं इनपुट दे देता तब वहां से ट्रांसलेशन एक्चुअली स्टार्ट होता और यहां पर मुझे मिलता मेरा वाई वन फिर वाई टू फिर वाई थ्री और इस तरीके से जितने भी वर्ड्स आउटपुट में आने वाले हैं सो so, आई गेस आपके दिमाग में शायद एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने ये आर्किटेक्चर क्यों फॉलो किया कि पहले हमने वेट किया एक भी आउटपुट देने के पहले हमने वेट किया कि हम पूरा का पूरा इनपुट एक बार देखेंगे आई गेस लॉजिकली अगर आप समझने की कोशिश करो तो समझ पाओगे कि ट्रांसलेशन एक ऐसा टास्क होता है जहाँ पे आप वर्ड बाय वर्ड लेवल पे ट्रांसलेशन नहीं करते राइट right. आप कभी भी ट्रांसलेशन करने के लिए पूरा सेंटेंस पढ़ते हो उसका मीनिंग पढ़ते हो ग्रामर समझते हो और फिर ही डिसाइड करते हो कि उसका ट्रांसलेशन किसी दूसरे लैंग्वेज में क्या होना चाहिए आप ऐसा नहीं करते कि आपने बस पहला वर्ड पढ़ा उसको ट्रांसलेट कर दिया दूसरा वर्ड पढ़ा ट्रांसलेट कर दिया तीसरा पढ़ा ट्रांसलेट कर दिया अगर आप ऐसा करोगे तो ग्रामेटिकल मीनिंग और कॉन्टेक्सट आप दोनों लूज कर सकते हो दैट इज वाई ये जो आर्किटेक्चर है ये पहले पूरा का पूरा इनपुट देखता है और जैसे ही आप आखिरी इनपुट भेजते हो उसके बाद से आउटपुट देना स्टार्ट करता है ठीक है आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ रही है अब इस तरह के आर्किटेक्चर्स को आप आगे देखोगे एनकोडर डी भी बुलाया जाता है सो so, इतना जो पार्ट है जहां पे आप इनपुट दे रहे हो इसको एन बुलाया जाता है और ये जो बाकी का है जहां से आप आउटपुट निकाल रहे हो इसको डी बुलाया जाता है ठीक है फ्यूचर में हम जब सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स पढ़ेंगे वहां पर हम इनकोडर डिकोडर नेटवर्क्स पढ़ेंगे ठीक है बट पहले से मैंने आपको एक काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन बता दिया ठीक है अब हम लोग मूव करते हैं हमारा लास्ट टाइप के ऊपर दैट इज वन टू वन द लास्ट टाइप ऑफ आर एन एन आर्किटेक्चर इज वन टू वन टेक्निकली स्पीकिंग ये आर एन एन का टाइप नहीं है बिकॉज अगर आर एन एन वन टू वन होगा तो वो आर एन एन होगा ही नहीं अगर आप सोच के देखो वन टू वन का मतलब आपके पास एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो इनपुट में नॉन सीक्वेंशियल डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है और आउटपुट में भी नॉन सिक्वेंशियल डेटा ही दे रहा है ठीक है तो इस तरह के एप्लीकेशन का बहुत सिंपल एग्जांपल हो सकता है इमेज क्लासिफिकेशन जहां पर आपका जो इनपुट डेटा होता है वो एक इमेज होता है इमेज मतलब ग्रेड ऑफ वैल्यूज है मैट्रिक्स है और आपका आउटपुट होता है वन या जीरो कैट है या नहीं ठीक है तो बेसिकली आर्किटेक्चर वाइज ये कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आपको यहाँ से इनपुट दिया जा रहा है और यहाँ से आप आउटपुट दे रहे हो सो बेसिकली देर इज़ नो रिकरेंस ठीक है कोई फीडबैक नहीं है आप कोई टाइम स्टेप्स की बात नहीं कर रहे हो एक सिंगल टाइम स्टेप में ही सब कुछ हो जा रहा है सो टेक्निकली दिस इज़ नॉट एन आर एन एन ये आपका सिंपल न्यूरल नेटवर्क है जो आपने अभी तक पढ़ा था आपका ए एन एन हो गया या फिर आपका सी एन एन हो गया वो एक्चुअली इसी के अंडर आता है ठीक है तो बस ऐसे ही बता दिया ताकि आपको एक समझ हो कि कब चीज़ें आर के अंदर आती हैं कब चीजें आर के अंदर नहीं आती हैं टेक्निकली स्पीकिंग तीन ही टाइप्स होते हैं मैनी टू वन वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी और मैनी टू मैनी के दो टाइप्स होते हैं जो हमने अभी देखे एक होता है सेम लेंथ और एक होता है वेरिएबल लेंथ ठीक है तो बस इतना ही बताना था आपको ये वीडियो छोटा सा है बट uh, आपको बस थोड़ा पर्सपेक्टिव देगा कि कितने टाइप के आर्किटेक्चर्स हैं गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीडियो में जब हम बैक प्रपोगेसन पढ़ेंगे वहाँ पर मैं आपको ये जो तीनों आर्किटेक्चर्स हैं इनके हिसाब से बैक प्रपोगेसन कैसे होता है वो समझाऊँगा और फिर गोइंग फॉरवर्ड तो हम मैनी टू मैनी के ऊपर काम करेंगे ही ठीक है तो दैट्स इट सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया एंड uh, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और अगर आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम बैक प्रपोगेशन कवर करेंगे बाय